हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ का जो हमारी फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका फिफ्थ चैप्टर जो कि टू पार्ट्स में दिया हुआ है। पहला है हाउ योगा हील्स और दूसरा है उसमें प्योरिटी ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको उसका जो फर्स्ट सीन है हाउ योगा हील्स, आज उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो देखिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट डिसीजेस कैन योगा बी ए थेरेपी, कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, डिसीजेस यानी बीमारी, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए योगा एक थेरेपी के रूप में काम में आया है, यानी कि एक थेरेपी यानी एक शल्य चिकित्सा के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में काम में आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। योगा कैन बी या थेरेपी फॉर द डिसीजेज लाइक कैंसर, सबसे पहली जो बीमारी है वो है कैंसर। फिर है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, किसी के बच्चे नहीं होना यानी बांझपन। इंसोमनिया, इंसोमनिया का मतलब है अनिद्रा, अनिद्रा का मतलब होता है नींद नहीं आना। लंग डिसीज, हमारे फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्नायु तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी जो है योगा से हम खत्म कर सकते हैं। फिर है पार्किसंस डिशीज, पार्किसंस का मतलब होता है कि जो हमारे कंपन से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो हाथ पैरों में कंपन होता है, वो बीमारियां भी हम योगा से खत्म कर सकते हैं। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है उच्च रक्तचाप, यानी कि जब हमारा उच्च रक्तचाप होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी, जिसे हम शॉर्ट रूप में हाई बीपी कहते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी हमारे लिए योगा बहुत उपयोगी है। एंड जॉइंट पेन, और एक और बीमारी है जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों को पाई जाती है, वो है हमारे जोड़ों का दर्द। अगर जोड़ों के दर्द के लिए भी हम योगा करें तो डेफिनेटली हमें उससे बहुत ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिसीजेज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, कि जो तनाव होता है उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अ मेडिकल रिसर्च शोज दैट, एक चिकित्सकीय विभाग ने या चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र ने यह दिखाया है दैट कि अबाउट 90% डिसीजेज, कि लगभग 90% जो बीमारियां हैं आर रिलेटेड टू स्ट्रेस, यानी कि वो लगभग सभी बीमारियां 90% जो बीमारियां हैं वो तनाव से ही संबंधित हैं। स्ट्रेस इज वेरी हार्मफुल, और जो तनाव है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक या हम ये कहें हानिप्रद है। इट कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से हमें बहुत तेज उच्च रक्तचाप हो जाता है। सर्ज इन हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिप्रेशन, हम बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। टेंशन इन मसल्स, हमारी मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है, और जिसको हम टेंशन इन मसल्स कहते हैं, उससे क्या है हमारी टेंशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम पढ़ा है, इसका अर्थ होता है अकंपित जो संवेदनशील तंत्र है हमारा, उससे संबंधित है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, कि जो अकंपित हमारा संवेदनशील तंत्र है उसी को हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं। When it gets activated, जब ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, it causes stress, तो यह तनाव का कारण बनता है। And different reactions in our body, और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रिएक्शन इससे हो जाते हैं, like surge in heart rate, जैसे कि हमारे शरीर में हार्ट रेट का एकदम बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है write the main hazards of stress, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन सेम है कि स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हम ये सारी ही बीमारियां इसमें लिख सकते हैं, जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और इनफर्टिलिटी, इंसोमनिया और ये पार्किसंस डिसीजेज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी ही बीमारियाँ जो हैं ये स्ट्रेस से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉय इज़ कोर्टिसल गुड फॉर आवर बॉडी, जैसा कि स्टूडेंट्स
आप सभी जानते हैं कि जो कोर्टिसल है वह एक हार्मोन है, तो यह हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से अच्छा होता है। कोर्टिसल इज अ हार्मोन, कोर्टिसल एक हार्मोन है। एट नॉर्मल लेवल्स, एक साधारण आधार पर या साधारण स्थिति पर, इट इज गुड फॉर आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, यह हमारे शरीर को बिल्कुल चुस्त और स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है। इट आल्सो रेगुलेट्स आवर मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, यह हमारी उपापचय, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय, ये जो हमारी उपापचय क्रियाएं होती हैं शरीर की, उसके लिए हमको मतलब उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एंड ब्लड प्रेशर, और हमारा जो उच्च रक्तचाप होता है या निम्न रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करता है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारा 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल इन आवर हेल्थ। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि कोर्टिसोल एक हार्मोन है, अब हमें बताना है कि अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा अधिक हो जाए तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाई लेवल कोर्टिसोल इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, अति सर्वत्र वर्जते, कि अति जो होती है वो हर जगह बेकार होती है। तो कोर्टिसोल भले ही एक हार्मोन है, लेकिन अगर इसकी भी अति हो जाए तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इट सप्रेसेस इम्यून सिस्टम, यह हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम होता है शरीर का, उसको बहुत ज़्यादा दबाव डालता है उस पर। कॉजेज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और इसकी अधिकता होने से हमारी जो नींद है उसमें बहुत ज़्यादा व्यवधान पड़ता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और इससे इसके बढ़ने से, कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से हमें भूख भी कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड, कि हमारे शरीर में जो पैरासिम्पैथेटिक यानी कि रोग प्रतिरोधात्मक जो शक्ति होती है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेटेड, यह उस समय एक्टिवेट होता है व्हेन, जब स्ट्रेस एंड्स, जब हमारा तनाव तो खत्म हो जाता है बट, लेकिन इट कैन बी कंसीसियसली एक्टिवेटेड डीपनिंग ब्रीथ, लेकिन इससे हमारे ये जो तनाव है यह हमारे सांस लेने में एंड रिलैक्सिंग मसल्स, और हमारी जो मसल्स होती हैं उनको आराम देने में, यानी कहने का मतलब यह है इससे हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं वो जब ठंडी पड़ने लग जाती हैं उस समय ये एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन अवर बॉडी, कि हमारे शरीर में जब रेस्ट और रीन्यू बढ़ता, मतलब जब हमारे शरीर में रेस्ट और रीन्यू की प्रक्रिया लगती है तो इससे हमारे शरीर पर क्या परिणाम सिद्ध होता है। इन दिस स्टेज, इस स्थिति में द बॉडी ट्राइज टू हील इटसेल्फ, जो शरीर है वो खुद ही बीमारियों से लड़ने का प्रयास करता है। इट लोवर्स द ब्लड प्रेशर, इससे हमारे शरीर में जो उच्च रक्तचाप होता है वो निम्न में बदल जाता है। हार्ट रेट, इससे हमारी जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाती है। रेस्पायरेशन, हमारी जो सांस लेने की शक्ति होती है वो भी थोड़ा सा कम होने लगती है। इट मेंटेन्स डाइजेशन, और यह हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र होता है उसे भी मेंटेन करता है। एंड ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर में जो रक्त स्राव होता है उसे भी ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, कि अगर हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लंबी प्रक्रिया चलानी है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। द फ्री सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे शरीर में जिन जिन नाड़ियों से ब्लड प्रेशर मतलब जा रहा है, ब्लड जा रहा है, वो बिल्कुल सही सिस्टम से चलना चाहिए। इज नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर की नाड़ियों में जो रक्त है वो उचित मात्रा में प्रवाहित होता रहे। दीज सिस्टम्स आर डाइजेस्टिव, ये सिस्टम हैं जैसे हमारी पाचन क्रिया, रिप्रोडक्टिव हमारी जो उत्पादन क्रिया है वह, और इम्यून सिस्टम, और हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वह भी ठीक ठाक बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस,
योगा अभ्यास के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो देखिए, मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस आर योगा आसन। सबसे मेन जो महत्वपूर्ण है वो है योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है एकाग्र चित्त होना और ध्यान लगाना। तो इनसे हम जो हैं डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, इससे हम योगा कर सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण भाग हैं, ये हम इसको कह सकते हैं कि योगा के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले योगासन, फिर प्राणायाम और फिर मेडिटेशन यानी एकाग्र चित्तता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5th, उसका जो फर्स्ट सीन है हाउ योगा हील्स, वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं उसके। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 5th है उसका सेकंड सीन जो है प्योरिटी इज पावर, उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।